Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, my name is Arab Sheikh, thank you for watching Indian Brother. आज हम लोग जा रहे हैं डंकी मूवी देखने के लिए यादपात मॉल में. मूवी देखने के बाद में आप उसका रूपी देंगे. ये जस्ट हम लोग मॉल में एंटर कर रहे हैं. ये मॉल के अंदर में हम लोग जा रहे हैं, मैं मोहसिन भाई. मूवी देखने के बाद में रिव्यू देंगे कैसा मूवी है सात फन का. ये हम लोग अभी मॉल के अंदर में जा रहे हैं. ये स्क्रीन 6 हम लोग का है, टिकट में जो है स्क्रीन 6 है. हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड में, आईमैक्स में लगा नहीं है ये मूवी. ये हम लोग अभी जस्ट हम लोग निकले अभी डंकी देख के. पिक्चर फर्स्ट जो इंटरवल के पहले बहुत कॉमेडी है. इंटरवल के बाद में आपको रोना आ जाएगा. और ये जो मूवी है ये डंकी, ये इलीगल इमिग्रेंट जो होते हैं ना उसके ऊपर में बनाया हुआ है. और ये लंदन जाने के लिए कैसे कैसे जाते हैं, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की होते हुए इन लोग जाते हैं लंदन में. और वहाँ जाने के बाद में भी वहाँ नॉर्मल नहीं रहते और वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. तो ये मूवी मस्त अच्छा हुआ है, देखने के लायक का है मूवी. और जो बाहर हम लोग जो इमिग्रेंट हैं जो इलीगल जाने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए एक सबक है, एक सीख है इस मूवी में. मूवी को जरूर देखें. इंटरवल के पहले मूवी में बहुत कॉमेडी है. मोहसिन भाई बताओ. एक्शन नहीं, अच्छा हाँ फैमिली भी देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है मूवी को. उसमें कोई ऐसा ये नहीं है जो नहीं देख सकते मूवी को. बच्चे भी देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं और हर कोई एज के इस मूवी को देख सकते हैं. और इसमें कुछ सीख है और बहुत पहले तो बहुत कॉमेडी है, वो पैर दुखता है हंस हंस के. मगर जब इंटरवल होता है उसके बाद में मूवी बहुत सीरियस हो जाता है. अच्छा है। और बहुत अच्छा रोल किया है इसमें जो शाहरुख खान है, देखने के लायक का है. वो हम लोग अभी निकल रहे हैं ये मॉल के अंदर में, निकल रहे हैं अभी जाने के लिए रूम को. मूवी को देख लिए. मोहसिन भाई फिर कौन सा मूवी आने वाला है? अभी कौन सा है भाई? नेक्स्ट ईयर ही है.
अभी 2023 में तो नहीं देख सकेंगे, शायद 2024 में जो भी मूवी आएगा उसको आएंगे फिर से देखने के लिए, और अगर अच्छा मूवी हो तो फिर से देखेंगे। अच्छा, मजा तो आया, मजा आया मूवी देख के, मजा आ गया। एक्शन पिक्चरों से बहुत बेहतर है ये, जो एक्शन पिक्चर होता है मार धार ये वो, इसमें वो नहीं है, मगर पिक्चर देखने लायक का है। एक बार तो देख देखने के बाद में आप इमोशनल हो जाओगे, जो मूवी देखने के बाद में आप इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि लास्ट में मूवी बहुत सीरियस हो जाता है, जो इन लोग इंडिया रिटर्न के लिए कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं, देखना चाहिए। एनिमल मूवी जो हम लोग देखे थे उससे तो कई गुण बेहतर है ये मूवी देखने, अच्छी है मूवी, देख सकते हो, फैमिली के साथ भी देख सकते हो, इसमें कहीं कोई ऐसा चीज नहीं है जो नहीं देख सकते है कि नहीं मोहसिन भाई? सब बच्चों को लेके भी देख सकते हो, और फर्स्ट जो इंटरवल के पहले बहुत हंसने का, बहुत पेट दुख गया हंस हंस के, इतना कॉमेडी है, ओवरऑल पिक्चर बहुत अच्छा हुआ, देखना चाहिए, हर इंडियन को देखना चाहिए। शाहरुख खान जो है वो जो होते हैं ना, ये क्या उसे बोलते हैं, आर्मी, शाहरुख खान जो है वो आर्मी का रोल किया है इसमें, और वो कभी झूठ नहीं बोलता है, और वो अगर लंदन में जाके डंकी के थ्रो से जो लंदन जाके पहुंचता है तो वहां के कोर्ट में बोलता है कि भाई, वो कोर्ट वाले बोलते हैं जो अंग्रेज, वो बोलते हैं कि तुम एक चीज बोल दो कि भाई हम लोग को इंडिया में प्रॉब्लम है, मगर शाहरुख खान उसमें बोला कि नहीं, हमको इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा बोलता है, कोई झूठ नहीं बोलता है, रिटर्न आ जाता है मगर झूठ नहीं बोलता उसमें, ये चीज अच्छा दिखाया है इसमें। मोहसिन भाई बोलो कुछ। ठीक है, पिक्चर अच्छा है, देख वन टाइम वॉच, एक बार देख सकते हैं, एक्शन पिक्चरों से अलग, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार तो देखना चाहिए। ये हम लोग अभी लिफ्ट में जा रहे हैं पार्किंग में गाड़ी की तरफ, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।